हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सीनियर सेकेंडरी सब्जेक्ट हिंदी जिसका कोड है 301 का फर्स्ट चैप्टर कविता कैसे पढ़े का अध्ययन कराऊंगी। कविता क्या है? यहाँ पे कोई लड़की की बात नहीं हो रही है, कविता यानी कि काव्य। आप फिल्मी गाने तो बहुत सुनते हो, कभी सोचा है कि ये गाने आपको इतनी जल्दी याद कैसे हो जाते हैं? क्योंकि गाने में एक भाव छिपा हुआ होता है, एक लय होता है, और हम उस लय के प्रवाह में बहते चले जाते हैं। तो गाना भी कविता का एक स्वरूप ही है। तो आज हम कविता का स्वरूप क्या है, उसमें किन-किन तत्वों का समावेश होता है, कविता की रचना कैसे की जाती है, इन सारी बातों से हम अवगत हो। कोई भी रचना ऐसे ही नहीं की जाती है। कोई भी रचना रचने के पीछे कोई ना कोई हेतु, तो कोई ना कोई उद्देश्य जरूर छिपा हुआ होता है। तो ये रचना रचने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं? तो ये चैप्टर हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी बातें समझते जाएंगे कि कविता का स्वरूप क्या है, कविता का महत्व क्या है, कविता में किन किन अवयवों का समावेश हुआ है, कविता की रचना कैसे होती है, कविता की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, उनकी व्याख्या हम कैसे करें। तो इन सारी बातों का अध्ययन हम अब शुरू करते हैं। अब हम काव्य के स्वरूप की चर्चा करेंगे। तो प्राचीन काल की सबसे पुरानी विधा कविता माना जाता है। हमारे जो भी प्राचीन ग्रंथ है ना, वो सारे के सारे कविता के स्वरूप में ही पाए जाते हैं। महाभारत, रामायण, गीता, वो सारे ग्रंथ कविता के रूप में ही लिखे गए हैं। तो प्राचीन काल से ही जो साहित्यकार है, उन्होंने कविता की परिभाषा करने की कोशिश की है, उनकी व्याख्या देने की कोशिश की है। तो संस्कृत ग्रंथ में भी कहा गया है, शब्दार्थो संहितो अर्थम, यानी कि शब्द और अर्थ का समन्वय ही कविता है। प्राचीन काल में जो भी कविता की रचना होती थी ना, उसमें अलंकार थे, छंद थे, और उनके माध्यम से उनकी रचना की जाती थी। कम से कम शब्दों में अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने की कोशिश की जाती थी। गद्य की तुलना अगर हम पद्य से करें ना, तो गद्य लंबाई से लंबी बात को खींचता जाता है, फिर भी आखिर तक हम वो बात नहीं स्पष्ट कर पाते जो पोयम की दो ही लाइन हमें करके दी जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जय सिंह है, वो जब उनकी नई नई शादी हुई होती है, तब वे अपनी पत्नी के इर्द गिर्द ही रहते थे। उनको अपने राज्य की कुछ नहीं पड़ी थी, लेकिन बिहारी के दो ही लाइन, बिहारी का जो दोहा था, उनको इतना प्रभावित कर जाता है कि वो इन सारी मोह माया से दूर अपने राज्य की रक्षा के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो रामचंद्र शुक्ला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो हमारा कार्य है, उस कार्य को वेग देने में कविता बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप लोग गाना सुनते सुनते कोई भी काम आसानी से कर जाते हो, क्यों? तो के गाने में एक भाव, एक लय होता है, वो हमें काम करने की प्रेरणा देता है, एक काम के लिए हमें उत्सुक करता है। तो कविता वही स्वरूप है, कविता के अंदर भावनाएं छिपी हुई होती है, और कविता की रचना कल्पना के माध्यम से भी की जाती है। कोई भी काल्पनिक दृश्य को हमारे सामने रख के शब्दों के अंदर ढाल के उनकी रचना की जाती है, और कम से कम शब्दों में वो हमें वो बात समझा जाते हैं जो बड़े के बड़े चैप्टर हमें नहीं समझा पाते। तो कविता के स्वरूप को समझने के बाद अब हम कविता के महत्व को भी जान लेते हैं। कविता का महत्व, आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि आपको कोई बात करनी है लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हो, या तो आसानी से अपनी जो बात है वो सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, या तो आपको उनको अपनी ओर आकर्षित करना है, प्रभावशाली ढंग से उनको बताना है, फिर भी आप वो बात नहीं बता पा रहे, तब आपको क्या ज्यादा उचित लगता है कि आप वही बात कितने सेंटेंस कहने के बाद भी नहीं समझा पा रहे हो, वही बात आप पोयम की दो लाइन पढ़ के या सुना के उनको आसानी से समझा सकते हो। प्राचीन काल में क्या था, कभी मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं थे, वो अपना मनोरंजन काव्य सुन के या सुना के करते थे। आज आपके पास अपना मनोरंजन के लिए बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, तो अपना मनोरंजन आप आसानी से कर पाते हो। लेकिन प्राचीन काल में कविता को एक मनोरंजन का साधन माना जाता था। राजा महाराजाओं के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि जो वो अपना मनोरंजन कर पाते थे। तब वे अपने दरबार में दरबारी कवि रखते थे, और वो कवि कविता सुनाकर, कविता का पठन कर राजाओं का मनोरंजन करते थे। तो कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन मात्र नहीं, वो कम से कम शब्दों में
सामने वाले को प्रभावी ढंग से अपनी बात व्यक्त करने की एक विधा थी। तो पहले के जमाने में छंद थे, छंद के माध्यम से काव्य की रचना की जाती थी। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, जिनमें वर्णों की गिनती के माध्यम से छंद की रचना की जाती थी और मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती के माध्यम से छंद की रचना की जाती थी। तो छंद के अंदर दोहा, चौपाई, सवैया, ये सारे प्रकार दोहे के छंद के माने जाते हैं। और अलंकार, आप कोई लड़की आपके सामने ऐसे ही आ जाए गंदे कपड़े, बाल बिखरे हुए, तो आपको पसंद नहीं आती है। लेकिन वही लड़की को मेक ओवर करके, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छे बाल बना के आपके सामने लाया जाए तो वो आपको बहुत पसंद आएगी। उसी प्रकार अलंकार से जिन काव्यों की रचना की जाती है वो इतनी प्रभावशाली थी कि वो सामने वाले को कम से कम शब्दों में प्रभावित करती थी। आप लोगों ने फिल्मी गाने सुने हैं, नज़में सुनी हैं, शेर व शायरी सुनी है, तो ये सारी बातें आपको क्यों जल्दी याद रह जाती है? क्योंकि इनके अंदर भाव छिपे हुए होते हैं, एक लय होता है। वही कारण है कि वो आपको इतना प्रभावशाली करती है या तो अपनी ओर प्रभावित करती है। तो ये हुआ कविता का महत्व। कविता को मुख्य दो विभागों में बांटा गया, प्राचीन काव्य और आधुनिक काव्य। अब प्राचीन काव्य और आधुनिक काव्य में तफावत क्या है? तो कि प्राचीन काव्य की रचनाएं अलंकार और छंद के माध्यम से की जाती थी, लेकिन आधुनिक काव्य में अलंकार और छंद रहित उनकी रचना की जाने लगी है। आधुनिक काव्य में कथ्य, कल्पना, भीम, प्रतीक के माध्यम से काव्य की रचना की जाती है। तो आज हम कुछ प्राचीन और अर्वाचीन कवि है उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम रहीम के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम रहीम का दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यहाँ पे रहीम कौन सी भाव को दर्शाते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में लोग अपनों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और उस विश्वास को वो आसानी से तोड़ जाते हैं। तो वो उन लोगों को कहते हैं कि जो रिश्ता आपको बड़ी मेहनत से मिला है उस रिश्ते को आप ऐसे ही मत तोड़ो। एक बार रिश्ता टूट गया तो वापस उसी विश्वास के साथ उस रिश्ते को आप नहीं जोड़ पाओगे। उसके बाद हम सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय प्राप्त करते हैं, जिनका जन्म सन 1904 और मृत्यु सन 1948। जन्मस्थल है उनका निहालपुर, इलाहाबाद। पिताजी का नाम है रामनाथ सिन्हा और पति लक्ष्मण सिन्हा। उन्होंने जो भी रचनाएं की है उसका प्रमुख रस रहा है वीर तथा वात्सल्य प्रेम। तो यहाँ पे भी जो लाइनें दी गई है उसमें भी उन्होंने वीर गाथा ही सुनाई है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आग स्मृतिया जलवंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि छंद नहीं, भूषण अथवा कवि छंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं, हे कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पे अलग अलग वीरों का उदाहरण देकर सुभद्रा कुमारी चौहान आज के नव युवकों के अंदर वही बिजली भर देने की बात कह रही है। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसका उपनाम है अज्ञेय। अज्ञेय जी का जन्म मार्च सन 1911 में पंजाब के करतालपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी हीरानंद शास्त्री भारत के पुरातत्व वेता थे। उनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता, जैसे लखनऊ, कश्मीर, बिहार, मद्रास,
इसी वजह से उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था और इस साहित्यकार का निधन 4 अप्रैल 1947 में हुआ था। यहाँ पे अज्ञेय जी की जो रचना ली गई है उन्होंने उसमें कहा है कि साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। यहाँ पे वो भ्रष्टाचारी और पाखंडी लोगों के ऊपर एक कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तुम तो सांप हो, तुम्हारे अंदर जो विष भरा है तुम अपने ही लोगों को डसते हो, तो तुम्हारे अंदर ये विष कहाँ से आया, ये जहर तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, तुमने अपने ही लोगों को डसना कैसे सीखा। अज्ञेय जी ने सांप को एक प्रतीक के रूप में लिया। फिर हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि कुछ लोग मूर्तियां बनाकर फिर बेचेंगे क्रांति की अथवा षड्यंत्र की, कुछ लोग सारा समय कस्में खाएंगे लोकतंत्र की। हम देखते हैं कि राजनीतिक जो नेता है वो बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर उनकी या किसी की यादों में बड़ी बड़ी प्रतिमा भी बनवाते हैं, लेकिन जब वो एक प्रतिनिधि के रूप में चूटे जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, तो फिर वो अपने सारे वादे भूल जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो कविता के बारे में एक परिभाषा भी दी है, तो वो हम आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा है कि कविता की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अर्थात वह क्या कहने कि हमारे अंदर जो भावना है उस भावना को जब मनुष्य अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को व्यक्त करता है वही कविता है। कविता के मुख्य दो अवयव है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कवि का चिंतन, कवि की सोच, उसका संदेश आता है। हम कविता को तीन प्रमुख विभागों में बांट सकते हैं, कथ्य, रस और विचार दृष्टि। अब कथ्य में हम देखें तो कि कवि क्या कहने की कोशिश करते हैं, तो कि कथ्य वो है जो कवि अपनी बात कहना चाहते हैं उसे कथ्य कहते हैं। फिर विचार दृष्टि, तो कि तरह तरह के विचार, अनुभव और तर्कों के बाद हमारे मन में जो विचार बनते हैं और उसी विचार के आधार पर हम जो रचना करते हैं उसको विचार दृष्टि कहते हैं। जब इसी प्रकार की दृष्टि को जब दूसरे लोग भी अपनाना शुरू कर देते हैं ना, तब उसको एक आदर्श के रूप में देखना शुरू किया जाता है और उसको विचारधारा के रूप में लिया जाता है। अब कल्पना, तो कि किसी वस्तु या स्थिति के बारे में जब हम सोचते हैं और उसके बारे में तरह तरह के चित्र हमारे मन में बनाते हैं और उस चित्र को शब्द के रूप में ढालते हैं ना, तो उसको कल्पना कहते हैं। भाव पक्ष को देखने के बाद अब हम कला पक्ष के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहली है भाषा शैली। तो कविता की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए इस बात पे हमने आगे भी चर्चा की है कि कविता की भाषा विशिष्ट होती है, कम से कम शब्दों में प्रवाहपूर्ण ढंग से कवि अपनी बात दूसरों के सामने रखता है। फिर आता है छंद, तो कि कविता की भाषा प्रवाहमयी होती है, इसीलिए कविता को प्राचीन समय में छंदों के माध्यम से ही रचा जाता था। छंद का अर्थ होता है भाषा में लयात्मकता लाना और इसी के साथ उसको एक नए ढांचे में ढालने की या तो बांधने की कोशिश की जाती है। दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि छंदों के प्रकार माने जाते हैं। कुछ छंदों में मात्रा की गिनती की जाती है तो कुछ छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है। संख्या के आधार पर उसको पहचाना जाता है कि मात्रा के आधार पर रचे गए छंदों को मात्रिक छंद कहते हैं और वर्णों के आधार पर रचे गए छंद को वर्णिक छंद कहते हैं। छंद के बाद हम देखते हैं तो कि अलंकार, तो प्राचीन काल में जो भी रचनाएं की जाती थी वो सारी की सारी अलंकार के माध्यम से ही की जाती थी, लेकिन आधुनिक काल में जो भी रचनाएं की जाती है वो अलंकार रहित की जाती है। अलंकार के बाद अब आता है अन्य,
तो के अन्य के भीतर क्या है, तो के प्रतीक भीम रीति गुण, जिसमें अलंकार और छंद नहीं है, अलंकार और छंद के बिना ही काव्य की रचना की जाती है, जिसमें प्रतीक, तो के प्रतीक किसे कहते हैं, प्रतीक का अर्थ होता है किसी वस्तु के माध्यम से किसी अन्य वस्तु अथवा तो किसी घटना को बताना, उसे प्रतीक कहा जाता है। फिर बीम, तो के बीम होता है परछाई अथवा भाषा कौशल के द्वारा किसी स्थिति का चित्र बनाना और चित्र के माध्यम से उसको शब्दों में ढालने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार हमने कविता के सभी तत्वों के बारे में चर्चा की है। आज हमने कविता के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की, फिर भी अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि कविता कैसे पढ़ी जाए, तो आपको मैंने काव्य पठन करके भी सुनाया, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि काव्य का पठन कैसे किया जाता है। आपको ये पूछा जाए कि निम्नलिखित काव्य का भाव स्वरूप बताइए या तो भाव पल्लवन कीजिए, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले तो आपको कवि परिचय प्राप्त करना होगा कि ये कविता किनके द्वारा रची गई है, ये काव्य रचने के पीछे कवि का क्या हेतु छिपा है, दूसरी बात के इसमें कौन कौन से भाव छिपे हैं, ये बात भी आपको जान लेनी होगी। फिर आपको कविता को समझना होगा कि इसमें कैसी कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है, इनमें अलंकार है या नहीं, छंद है या नहीं, या इनकी रचना अन्य जैसे कि प्रतीक भीम कल्पना के माध्यम से तो नहीं की गई है ना, तो इन सारी बातों का भी आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर आप इसको पहचानने में एक और बात भी उपयोग कर सकते हो कि ऐसी ही दूसरी कविता आप ले लो, दोनों में कंपैरिजन करो कि ये कविता में क्या कहना चाहते हैं और ये कविता में क्या कहना चाहते हैं, इनके माध्यम से भी आप कविता को आसानी से समझ पाओगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज इस चैप्टर के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं वो प्रश्न आप आसानी से समझ पाए होंगे या तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।